पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दिव्यलोक आश्रम आशियाना फेज 2 मुरादाबाद स्थित विश्वनाथ शिव मंदिर के विशाल प्रांगण में प्रातःकालीन 6 बजे से पंडित वीरेंद्र जोशी द्वारा पूजा अर्चना कराई गई, जिसमें राजीव गुलाटी और पूनम गुलाटी उपस्थित रहे। इसके उपरांत 11 घंटे का मंत्र जाप प्रारंभ हुआ, जो शाम 5 बजे तक संपन्न हुआ। दोपहर 3 बजे से पंडित वीरेंद्र जोशी और आचार्य अजयकांत मिश्रा संतोष ने मिलकर 5 कुंडलीय गणेश लक्ष्मी यज्ञ प्रारंभ कराया, जो शाम 6 बजे आरती के उपरांत संपन्न हुआ। इसके बाद उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजनों ने प्रसाद भंडारा ग्रहण किया। 5 कुंडली गणेश लक्ष्मी यज्ञ में मुख्य यजमान रामकिशोर गंगवार, रणवीर सिंह, गंगाराम, रुद्र दीक्षित, कुमार सेन, आरडी दीक्षित, रमेश तिवारी, राजपाल सिंह, शकुंतला चौधरी, हरिवंश सरोज गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रसाद भंडारे की व्यवस्था डॉक्टर आशा चंद्र के परिवार द्वारा कराई गई। इस अवसर पर मंडल प्रधान राकेश अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, शुभा अग्रवाल, गीता अग्रवाल, पूनम गुलाटी, राजीव गुलाटी, संजीव वर्मा, अश्वनी, मीरा, विदुला, संगीता वर्मा, संध्या, किरण शर्मा के साथ बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। समस्त देवतामूर्ते नम स्वाहा, ओम सा विष्णुवे नम स्वाहा, ओम सौ तथ्याय नम स्वाहा, ओम विघात कारणे नम स्वाहा, ओम विसदृशे नम स्वाहा। समस्त देवतामूर्ते नम स्वाहा, ओम सा विष्णुवे नम स्वाहा, ओम सौ तथ्याय नम स्वाहा, ओम विघात कारणे नम स्वाहा, ओम विसदृशे नम स्वाहा। Yeah.
आज यहाँ पर हमने आशियाना स्थित दिव्य लोक आश्रम के प्रांगण में पंजी कुंडी महालक्ष्मी गणेश यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें यहाँ पर प्रातः सुबह 6 बजे से अखंड जाप लक्ष्मी मंत्र का प्रारंभ हुआ है। उसके पश्चात 11 घंटे का अखंड जाप प्रारंभ होने के बाद पंचकुंडी हवन यहाँ पे किया गया है। बहुत जोर शोर से यहाँ पे सब हवन का कार्यक्रम किया गया है। उसके पश्चात सामूहिक आरती हुई है और भंडारे का कार्यक्रम रहा है। कैसा रहा है ये कार्यक्रम? मेरे ख्याल से नगर में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया होगा कि कभी यहाँ पे अखंड जाप हो और फिर इस तरह इतना बड़ा हवन भी हो, मैंने तो कभी सुना नहीं है महानगर में इस तरह से हुआ। किस उपलक्ष्य में किया गया था? दीपावली के पूर्व ही हमने इसको आयोजित किया है, जिससे कि सभी लोगों में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता रहे, धर्म के प्रति जागरूकता रहे, लक्ष्मी जी के प्रति जागरूकता रहे, गणेश जी के प्रति जागरूकता रहे। हम ही ये लोग मानते हैं कि दीपावली पर लक्ष्मी का आगमन हमारे यहाँ होता है। लक्ष्मी जी के आगमन दीपावली पर तो होता ही है, उससे ही पूर्व हम लक्ष्मी यज्ञ को करते हैं, जिससे गणेश लक्ष्मी की अति कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और सभी भक्तों को इस चीज़ का ज्ञान भी रहे और सभी के संज्ञान में ये बात रहे कि लक्ष्मी जी का किस तरह से पूजन होता है, आवाहन होता है, बैठाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। उसी को समझाने के लिए आयोजन किया गया है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।